बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो चलिए दोस्तों, बिटकॉइन का क्विक एनालाइज करते हैं कि इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, मजीद कितना ये डंप या पंप हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम की, भाई देखो डेली टाइम फ्रेम पे जो हेड एंड शोल्डर बनाया था, मार्केट अभी कर रही है उसकी रिट्रेसमेंट। ये देखे भाई, यहाँ पे हमारा बना था डेली टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर और मार्केट इस वक्त कर रही है इसकी रिट्रेसमेंट 27,500 के आसपास। अब देखें यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है ना हमें, मार्केट 27,500 और तकरीबन 27,650 के आसपास बना रही है अपना बाय जोन डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। और साथ ही साथ ये कि देखें, अभी छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊंगा तो एनालाइज को पूरा अच्छी तरह देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें अभी जो एंट्रीज मैं बता रहा हूँ वो थोड़ी हमारे लिए मतलब रिस्की एंट्री भी बनती हुई नज़र आ रही है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखें, सिंपल सी अपडेट है भाई, यहाँ पे 27,500 27,600 पे एंट्री बन रही है। लेकिन अगर हम जाएं अपने छोटे टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, देखें जी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे कल इसने किया फॉलिंग वेजेस का ब्रेकआउट। देखें फॉलिंग वेजेस का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ये वाले रीजन पे, अगर आप एक वीक इग्नोर करके देखोगे तो ब्रेकआउट हुआ है आज सुबह, फिर मतलब रात को जो हुआ वो हुआ था फेक आउट। तो अभी पॉसिबिलिटी है भाई, अगर इसको हम लॉन्ग करें मतलब लॉन्ग की स्कैल्प निकालें, उसके लिए हमें रिट्रेसमेंट चाहिए 26,900 तक। तो अब इसमें जो स्कैल्प मुझे बनती हुई नज़र आ रही है ना, वो है थोड़ी रिस्की स्कैल्प, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ, मैंने ग्रुप में देखे अभी सिग्नल भी दिया है इसका। तो लेकिन 1% का रिस्क हम यहाँ पे ले सकते हैं, अगर रिस्क नहीं लोगे तो प्रॉफिट बनेगा कैसे फिर मार्केट में। तो भाई वही यहाँ से एंट्री लेना जो कि रिस्क अफोर्ड कर सके, ऐसा ना हो कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए और बाद में ये है कि आप लोग फिर पैनिक हो या फिर मुझे बोलो कि भाई आपने हमारा लॉस करवा दिया। देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमारे पास बन रही है सबसे पहले हिड एन बियरिश डाइवर्जेंस, जिसका कर्फ होने के बाद हमें मिलेगी कन्फर्मेशन। मतलब अभी देखें कैंडल करंट हमारी चल रही है, जैसे ये कैंडल हमारी क्लोज होगी ना, नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, देन ये है कि हमारे को कंफर्मेशन मिल जाएगी इसकी कि भाई यहाँ पे जो हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस है वो परफॉर्म करेगी या नहीं। और साथ ही साथ देखें यहाँ पे हमारे पास बन रहा है छोटा सा सेमेट्रिकल ट्रायंगल कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं है। भाई देखें यहाँ से 3 कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आ रही है शॉर्ट करने के लिए, तो शॉर्ट यहाँ से हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना 4 घंटे में इसमें ब्रेकआउट किया है जो कि फॉलिंग वेजेस का ब्रेकआउट है, तो उसके मुताबिक यहाँ से थोड़ा हमें रिस्क नज़र आ रहा है। तो देखिए जी साथ ही साथ यहाँ पे छोटा सा बन रहा है बियर फ्लैग। अब अगर मार्केट आ जाए सपोर्ट के ऊपर तो ये हो गया हमारा बियर फ्लैग कंप्लीट, और अगर मार्केट कर देगी इसका ब्रेकडाउन तो ब्रेकडाउन के बाद इसमें अगेन एंट्री आपकी बन सकती है। और टारगेट इसको आप करोगे ब्रेकडाउन के बाद तकरीबन 24,800 तक, अगर ये परफॉर्म हो जाता है। तो अभी बियर फ्लैग हमारा कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट कब होगा भाई, जब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर आएगा। सपोर्ट जो बन गई 26,900 के आसपास, 26,000 ब्रेकडाउन होगा, 26,800 ब्रेकडाउन होगा, देन ये हमारा बियर फ्लैग हो जाएगा कंप्लीट, फिर उसके बाद इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अब देखो भाई, अगर मार्केट कर देती है ये वाले रीजन का ब्रेकआउट, देखिए पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद इसको रिट्रेसमेंट दे, रिट्रेसमेंट करने के बाद अब यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हो। लॉन्ग करने के लिए कम से कम डेली क्लोजिंग का वेट करना होगा, और साथ ही साथ मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे समझा दूंगा आप इसको ट्रेड किस तरह करना अगर ब्रेकआउट हो जाए। तो देखें जी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पॉसिबिलिटी है मार्केट हमारे को ट्रैप कर दे, और ट्रैप करने के बाद मार्केट देन ये वाले जोन से रिजेक्ट हो फिर आगे, तो देन हम जो शॉर्ट करेंगे ना नेक्स्ट अपना स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, हम टारगेट करेंगे 28,800 वाले रीजन को, देन यहाँ से इसको हम शॉर्ट करेंगे। और ये जो हमारा हेड एंड शोल्डर है भाई, ये इनवैलिड जब होगा जब राइट शोल्डर के ऊपर होगी क्लोजिंग। तो बस ये छोटी सी अपडेट थी, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।